हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको IOCL यूनिपोल के रेट कैसे चेंज करते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपका मोबाइल डाटा ऑफ रखने का है और मोबाइल सेटिंग में जाने का है। आपको सेटिंग में आपको यहाँ पे वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद यहाँ पे वो IOCL यूनिपोल करके आपको चार वाईफाई दिखेगा, इसमें से आपको कोई भी एक वाईफाई कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं भी एक वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी पासवर्ड के लिए पूछेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको IOCL UNIPOL 1.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड IOCL UNIPOL 1.1। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्टेड। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे गूगल क्रोम सर्च करता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है 192.168.4.1, ये IP एड्रेस यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेज दिखेगा, Rate 1 Rate 2। Rate 1 में आपको डालना है पेट्रोल के रेट, Rate 2 में डालना है आपको डीजल के रेट। जैसे कि अभी मैं रेट डाल रहा हूँ, आज का रेट 106.50, डीजल के रेट डाल रहा हूँ 92.50। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सबमिट करने का है। सबमिट हो जाने के बाद आपका डिस्प्ले में रेट चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।